तो गाइस स्वागत है आज की एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो में, जिसमें हमने अभी सर्वाइवल की सीरीज स्टार्ट की थी। और अब मैं एक केव में था जहाँ पे मैं मर गया था, और अब उस केव से हम बहुत दूर आ चुके हैं क्योंकि वहाँ पे एक स्केलेटन आ गया था यार। मतलब पता ही नहीं चला कि एक स्केलेटन आ गया और वो मुझे मार के भी चला गया वहाँ से। और मतलब वो जो चीज़ें थी जो वहाँ पर ड्रॉप हुई मरने के बाद, जब मैंने वहाँ पर आके देखा तो यार वो सारी चीज़ें डिस्पोन हो गई थी, मतलब वहाँ से चली गई थी जो ड्रॉप हुई थी वहाँ अपनी जगह पर जहाँ से मैंने उन्हें लिया था। तो अब हम एक काम करने वाले कि मैं यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगाऊंगा, क्योंकि अभी देख सकते हो कि यार रात हो चुकी है और रात में जो ज़ोंबी रहते हैं भाई बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। और वैसे अच्छा है मैं हार्ड नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि हार्ड में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ये एक नॉर्मल है, माइनक्राफ्ट वाला नॉर्मल मोड है, तो अगर मैं हार्डकोर खेलता तो भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती थी, पर अभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर ज़ोंबी मेरे जब का पीछे पड़ा था तो मैंने कोई दिमाग लगाया कि भाई सबसे पहले उन्हें फ्लैश खा लिया, और उसके बाद जब ये मर गया तो मैंने इसकी ये जो जगह थी तोड़ दी जहाँ से चढ़ रहा था। और वैसे मुझे इस अकेले नहीं देखा था, तो इसके अलावा कोई आ नहीं सकता था, क्योंकि यार जो ज़ोंबी रहता है वो बहुत कुछ ही दूरी तक देख सकता है, और अगर देख लेता है तो भाई पीछा नहीं छोड़ता है। तो उसके लिए आपको बहुत दूर भागना पड़ता है, और मैं सबसे दूर था, मेरे पास आसपास कोई भी ज़ोंबी नहीं था, और अगर कोई आ भी जाता तो मैंने सारी चीज़ें तोड़ दी थी। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे कि स्वॉर्ड बनाया और पिकेक्स बनाई। और पिकेक्स बनाने के बाद मैं सेंटर में चला गया, और देखो मैंने इससे क्या करा कि जो स्टिक रहती है वो बना ली, और उसके बाद मैंने मुझे पिक एक्स मिल गया और एक वुडन एक्स मिल गया। और भाई वुडन एक्स से ना ये जो क्राफ्टिंग टेबल है वो जल्दी टूटती है, तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्ट है माइनक्राफ्ट का। बहुत सारे लोग पिक एक्स से तोड़ना पिक एक्स से तोड़ते हैं जो क्राफ्टिंग टेबल होती है, तो भाई ऐसा मत करना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ये जो आपकी पिक एक्स होती है। और एक्स जो है इसको बहुत कुछ ही मिनटों में तोड़ देती है, और एक्स जो है पिक एक्स से ज़्यादा डैमेज देती है सारे एनिमल्स को, मतलब स्वॉर्ड से भी ज़्यादा डैमेज देती है शीप मून को। तो आप अगर इसका यूज़ करोगे तो भाई दो बार में तो ख़त्म कर देती है शीप मून को, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई एक्स कितनी ख़तरनाक होती है पेड़ काटने में भी, तो आराम से जानवर को मार देती है। मतलब थोड़ा वो तो फिजिक्स चलता है यार इसमें। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि इसको तोड़ दिया, और मेरे पास सैंड बहुत था, तो यार सैंड से होता क्या है मैं आपको बता दूँ। तो इससे अपन ग्लास बनाने वाले हैं, और माइनक्राफ्ट में ग्लास जो है घर को बनाने में और दूसरी चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और मैं आपको बता दूं कि यार ये एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट जगह जहाँ से आपको कोई भी नहीं ढूंढ सकता, मतलब वो जो है मतलब ये एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पे आपको ज़ोंबी नहीं ढूंढ सकता, और आप इसे कवर कर सकते हैं ब्लॉक के साथ, जहाँ से आपको ज़ोंबी कभी नहीं ढूंढ पाएगा, यानी उसके बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। यहाँ पे सिर्फ वही मार पाएंगे जिनके पास तीर कमान हो, यानी तीर कमान को समझ गए यार, जो आर्चर होते हैं ना वही मार सकते हैं आपको यहाँ पे। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होना तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ये बिल्कुल फ्री होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यार देखो मुझे यहाँ पर बहुत सारे सीड मिले थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि यार अब हम फसल उगा सकते हैं यहाँ पर। और मैंने यहाँ से कुछ ब्लॉक लिए, और यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मतलब यहाँ पे मुझे ग्रेडियंट मिले थे, और यार ग्रेडियंट तो मुझे भी नहीं पता क्या होते हैं, कुछ क्ले जैसे होते हैं और मुझे भी नहीं पता था। पर यहाँ पे जो अंधेरे का लुक था ना यार, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो गया था जब मैं खेल रहा था। मतलब एक इधर से उजाला भी हो रहा था और एक अंधेरा भी हो रहा था, मतलब जो रोशनी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी, और यहाँ पर जो सारी चीज़ें वो अच्छी दिखने लग गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और यहाँ पे भाई मुझे लगा कि बहुत सारी भेड़ भी मिल चुकी थी, मुझे सुबह से भेड़ नहीं मिली थी, मतलब रात को और फिर जब मैं मरा था वहाँ पे भी भेड़ नहीं मिली। तो फिर यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत अटक सकता है, तो यहाँ पे मुझे एक विच दिखी थी, तो मैंने वीडियो को थोड़ा कट कर दिया। और मैं शाउट आउट देना चाहूँगा यार, माइनक्राफ्ट कुछ एक चैनल का नाम था जिसने मुझे कमेंट किया था, और भाई थैंक्स यार वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पे देखो कि ये जो है भैया इसने मुझे मारा था, और इतनी ज़्यादा कम एचपी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अब तो इसको ख़त्म ही कर देते, तो फिर तो मैं रुका ही नहीं इसको मारने से, मतलब इसने मेरे ऊपर बाटली फेंकी एक और, तो मैंने उसको उड़ा ही दिया भाई। तो कितना भयानक तरीके से मारा है भैया इसने, हमें लगा था कि हमारा मौत ही हो जाएगा, पर हम बच ही गए। तो नौजवानों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आपको ज़्यादा लालच वैसे कुछ नहीं यार, मैं क्या क्या बोल देता हूँ मुझे ही नहीं पता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा लालच मत करना, लालच बुरी भला है। और कुछ नहीं बस यही कहना चाहता हूँ, मैं इसे मजाक करता था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो यार बहुत ज़्यादा चीज़ सीख लोगे आप, क्योंकि वीडियो आपको पसंद ही आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मज़े आए थे, क्योंकि मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल भूल गया था रात को, और यार मैंने सोचा कि यार इतना लालचीपन तो ठीक नहीं है। वैसे मैं तुमसे लालची तो ज़्यादा मैं हूँ यार, मतलब तुम सीड ढूंढते हो और मैं भी सीड ढूंढ रहा था, और मेरे को सीड नहीं मिला, मतलब ये वाला सीड नहीं, मतलब एक सीड आता है जिससे नया वर्ल्ड बनता है, उस सीड को मैं ढूंढ रहा था। मतलब हम सभी लालची हैं, यहाँ पे उस सीड को ढूंढ रहा था मैं, कि जहाँ पे सारी चीज़ पास पास मिल जाए, पर ऐसी कोई सीड ही नहीं थी यार, मतलब जहाँ पे सारे चीज़ें मतलब टेम्पल वेम्पल सब पास में मिल जाए, तो मतलब
हम सभी लालची हुए। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था लावा को और यहाँ पे मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने जो क्राफ्टिंग टेबल छोड़ा था ना वहाँ पे लावा पे छोड़ा था और मुझे यहाँ पे वेल मिला। मुझे लगा कि यहाँ पे कोई सीक्रेट चीज़ तो ज़रूर होगी, पर कुछ नहीं मिला, बस पानी मिला वो भी लामा के पीने के लिए। मुझे लगा कि कुछ अच्छा मिलेगा पर कुछ नहीं। और यहाँ पर मुझे मिल गया था, बहुत कम हो गया था हेल्थ और 2 हेल्थ पर भाई देख सकते हो कितना खतरनाक हालत हो गए थे। और मैंने यहाँ से संड निकाला, और वैसे संड किस काम का आता है अगर आप पूछ रहे होंगे तो मैं बता दूँ आपको कि संड किसी काम का नहीं है। अगर आप संड लेते हो तो बुरा फंस जाओगे। और मुझे क्राफ्टिंग टेबल मिल गया था और मैं यहाँ पे ही डूब के मर गया था। तो यहाँ पे मुझे बहुत खूब देखो यहाँ पे अपने यहाँ पे टूट जाता है संड, इसलिए बहुत बुरा लगता है। जैसे घर बनाएगा तो गिर जाएगा और इसलिए मैंने इसे नहीं लिया। तो यहाँ पे मैं कूदता गया कूदता गया कूदता गया और मैंने सेंड बेला किया, पर सेंड तो लावा की बेटे चढ़ गया और मुझे एक ही सेंड कोबल स्टोन मिला जिससे मैं बना सकता था एक्स, पर सर का सर ही गिरता गया। और यहाँ पे मुझे क्राफ्टिंग टेबल मिल चुका था और यहाँ पे मैंने सोचा कि अगर भगवान भी चाहते कि अपन बना ले तो मैंने बना ही लिया इसे। मुझे लग रहा था कि ये गिर जाएगा लावा में और मेरी सारी मेहनत, पर कुछ नहीं हुआ। और फिर मैंने यहाँ से तोड़ा इधर तोड़ा और सारा लावा में चला गया। अब यार मुझे करना क्या था यहाँ पे कि सारा चीज़ लावा में चल गया था। और कोल एंड फ्लिंट का यूज़ किया होता है, अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो यार कोल एंड फ्लिंट एक ईजी चीज़ है जिससे आग जलाई जाती है। और ये आग वैसे क्रीपर पे भी लगाई जा सकती है। और कोल एंड फ्लिंट बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ में आता है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है, तो इसके बारे में मैं बाद में फैक्ट डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखो कि मुझे यहाँ पे शिप मिली थी और मैंने सोचा कि शिप को तो मैंने वैसे मार देता और मेरा बेड बन जाता। तो यहाँ पे जो मुझे बेड बनाना था उसके लिए मुझे चाहिए था बहुत सारा वुल, और वुल बनाने के लिए भैया जो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मतलब बेड बनाने के लिए। तो मैंने सोचा यार बेड कौन बनाएगा, इससे अच्छा तो विलेजर से चुराई लेंगे। उधर डाका डालना पड़ेगा और डाका का वीडियो ज़रूर आएगा, तो ज़रूर देखना डाकू मंगल सिंह का डाका। और यहाँ पे फिर मैंने इसे खोदा और भाई सोच रहा हूँ कि डाकू मंगल सिंह किधर से आ गया, तो ये बता दूँ कि सब ने देखा होगा छोटा भीम और वहीं से मैंने इसे प्रोनाउंस किया है। तो यहाँ पे यार इंग्लिश छोड़ते और यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ कोबल स्टोन, क्योंकि यार सबको पता है कि कोबल स्टोन उसको नहीं तोड़ पाएगा, पर मैं सोचा कि सेंड ही लगा देता हूँ, अगर कि ऐसे सेंड के आर पार आ भी गया तो क्या कर लेगा। वैसे भी हमारे पास अब तो स्टोन की स्वाट तो है ही, और स्टोन की स्वाट से तो वो आसानी से मर भी जाता है। तो मुझे डायमंड की स्वाट कहाँ से आ गई, वही तो मैं सोच रहा था। यार देखो यहाँ पे मुझे एडवांसड भी मिल चुका है कि मैंने एक चीज़ को ऑपरेट कर लिया और यहाँ से गलती से खुल गया। तो मैंने सोचा कि यार जो फोकट की चीज़ है उसको भी सबसे पहले निपटाओ, तो मैंने सेंड को सबसे पहले यूज़ कर लिया और उसके बाद मैंने इधर से खोदना शुरू कर दिया। तो खुदाई के बाद क्या होता है इसको देखना चाहते हो तो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ नहीं मिला है अगर रियली बताऊँ तो। अगर आप आगे बढ़ा को देखोगे तो यार मुझे कुछ नहीं मिला, जो मैं सोच रहा था कि मुझे डायमंड मिलेगा। डायमंड क्या, मैं तो सोच रहा था कि मुझे आयरन मिलेगा कोल मिलेगा, वो भी नहीं दिया। कभी घंटी भी देते तो चलता है यार, कम से कम उसको लगा तो देता घर के बाहर की अगर कोई आता तो हॉर्न बेल बजा के आता ज़ोंबी, पर वो भी नहीं दिया इन्होंने। और मुझे तो यार अभी तक एक कुत्ता भी नहीं पाला है मैंने, और अभी तो मुझे नीचे जाना है। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ खुदाई करी मैंने और वहाँ पे सीढ़ी बनाई थी, तो देखते हैं कि मैं कितनी अच्छी सीढ़ी बना पाया था। और भाई सीढ़ी तो इतनी मस्त बनी थी कि यार कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब तुम लोग देखोगे ना यार तो बोलोगे यार सही में भाई क्या सीढ़ी बनाई है, मतलब गजब की सीढ़ी थी वो। और सीढ़ी को देखने के बाद भाई कोई भी फैन हो जाएगा उस सीढ़ी का, मतलब जैसा कि जैसा स्टेयर से बनाया जाता है ना, मतलब कोबल स्टोन लगा लगा के बिल्कुल ऐसी सीढ़ी थी, मैंने इसे तोड़ तोड़ के ही बना दिया। अब तो भाई मेरे को मेरे ऊपर गर्व करना चाहिए, मतलब इतनी जल्दी माइनक्राफ्ट में मैं इतनी सारी चीज़ सीख गया। पर ये समझ नहीं आ रहा कि इतने सारी डट का करूँगा क्या, मैंने सोचा कि यार मेरे पास पेड़ तो है तो इसलिए मैंने डट भी ले लिया, यार चलो यार पेड़ उगा देंगे, क्योंकि वैसे भी पेड़ काटना तो बुरी बात है। और जो भी इसमें बताया गया भाई वो रियली में मत करना, क्योंकि जानवरों को मारना और पेड़ को काटना बहुत बुरी बात है। ये तो एक सर्वाइवल है और सर्वाइवल में करना पड़ता है जीने के लिए, जिस तरह जानवर है जानवर को मारता है उसी तरह हमें भी मारना पड़ता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और अभी वीडियो का एंड हो चुका है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बोलना नेक्स्ट पार्ट में क्या करें।